नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज का अड्डा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट के ग्रामीण डाक सेवक GDS रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस और कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। सबसे पहले बात करें नोटिफिकेशन के बारे में, तो इंडिया पोस्ट की तरफ से GDS के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें ग्रामीण डाक सेवक, BPM ब्रांच पोस्टमास्टर और ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर के लिए पोस्ट निकाला गया है। आप इस नोटिफिकेशन को इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया जो लिंक है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपको ग्रामीण डाक सेवक के लिए कम से कम मिनिमम 10वीं पास होना अनिवार्य है, जिसमें कि मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। आपको बता दूं, इसके साथ ही आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो कि कम से कम 60 दिन का होना चाहिए। बात करें उम्र सीमा की, तो इसमें 18 से लेकर 40 वर्ष तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सभी एग्जाम की तरह इसमें भी SC ST कैंडिडेट्स को 5 वर्ष की तथा OBC कैंडिडेट्स को 3 वर्ष की छूट मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप जिस भी किसी स्टेट में इसके लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि अगर आप छत्तीसगढ़ के लिए ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको छत्तीसगढ़ की जो लोकल लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ी, वो आनी चाहिए। या फिर अगर आप किसी और राज्य में जैसे कि उड़ीसा या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग मराठी लैंग्वेज और उड़ीसा के अकॉर्डिंग आपको उड़िया लैंग्वेज आनी चाहिए। दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा और इसमें आपको डायरेक्ट पोस्ट दे दिया जाएगा। ध्यान रखिए, अगर आपका 10वीं में अच्छा खासा परसेंटेज है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। चलिए अब जानते हैं हम इसकी ऑनलाइन प्रोसेस हम किस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इसकी प्रोसेस। आप सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। वहाँ पे आप गूगल में आके सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे GDS। जैसे आप GDS लिख के सर्च कर देंगे, आपको सबसे पहला ही यहाँ पे इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिखेगा, इसे क्लिक कर लेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली GDS के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला जो आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा, आप इसे अच्छे से रीड कर लेंगे। चलिए मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले स्टेज वन में आपको रजिस्ट्रेशन दिया है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो यहाँ पे आप फॉरगोट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, उसे हमें वेरीफाई भी करना होगा OTP के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर बोल रहा है तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे और यहाँ पे वैलिडेट मोबाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, OTP डाल के आप उसे वेरीफाई कर लेंगे। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे OTP फिल कर दिया, यहाँ पे मोबाइल नंबर वैलिडेटेड सक्सेसफुली आ गया। अब यहाँ पे आप इसी प्रकार अपना ईमेल आईडी डाल लेंगे और वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करेंगे, फिर आपके पास ईमेल में भी एक OTP आएगा, OTP डाल के आप वैलिडेट कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही आप सबमिट OTP करेंगे तो देख सकते हैं आपका जो मेल का OTP है वो भी आपका सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। अब आप यहाँ पे अपना नाम दर्ज करेंगे। ध्यान रखना आपका जो नाम है यहाँ पे आपका 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है एस पर सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट, ध्यान दीजिए ये 10वीं को बोला जा रहा है, आप 12वीं के अकॉर्डिंग नहीं डालेंगे। मैं यहाँ पे रैंडमली सा कोई सा भी नाम डाल देता हूँ। आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, कम्युनिटी, यहाँ पे आप किस स्टेट से आपका स्कूल पास हुआ है उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कौन से सन में आपने अपना स्कूल पास किया वो सेलेक्ट कर लेंगे,
यहाँ पे जो कैप्चा है इसे आप फिल कर लेंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप देख सकते हैं आपका जो डिटेल्स है ऊपर में शो हो जाएगा, उसके बाद नीचे आपको एक और ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अब हम नीचे की जो जानकारी मांगी जा रही है उसे हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल देंगे, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप दिव्यांग है या किसी प्रकार की निःशक्तजन है तो आप यहाँ पे हाँ सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ पे हाँ सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार से दिव्यांग है, तो यहाँ पे हम नो सेलेक्ट किए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो स्कूल है वो किस लैंग्वेज में पास किया था यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश फिल करेंगे, और हिंदी में पास किया तो हिंदी करेंगे। यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। चलो मैं रैंडमली सा कोई सा भी फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन भूल गया था, ये देख सकते वेदर एम्प्लॉयड। अगर आप कहीं पे सर्विस करें जॉब करें तो यहाँ पे आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे देख सकते हैं आपके पास आपका जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो आ जाएगा। एक बार आप सारी डिटेल्स को मैच कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद आप ये जो चेकबॉक्स है आई हियर बाई करके यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे सबमिट कर लेंगे। उसके बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, इसे आप कॉपी कर लेंगे या कहीं पे नोट कर लेंगे। इसी के माध्यम से आप इसे लॉगिन कर सकते हैं और अपना जो भी स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं और कहीं पे पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कंटिन्यू टू अप्लाई करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका वेरिफिकेशन डिटेल्स आ गया। यहाँ पे आपका जो किस सर्कल में आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सबमिट कर देते हैं। आप देख सकते हैं आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को आप फिल कर लेंगे। उसके बाद कैप्चा फिल कर लेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख लेंगे। आप देख सकते हैं आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे जो चेकबॉक्स है इसे आप क्लिक कर देंगे, आपका जो एड्रेस है सेम दोनों जगह फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद नीचे आपके पास क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप आपका जो बोर्ड है वो आ चुका है, कौन से स्टेट से है और आप कौन से ईयर में से पास किया वो आ जाएगा। अब यहाँ से आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से है तो आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, जिसे हम CBSE कहते हैं। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम अपना बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो किस बेस में यहाँ पे दे देगा, देख सकते हैं। दोस्तों आपने अपने 10th के बोर्ड में जिस सब्जेक्ट में जितने मार्क लेके आए हैं, जितने प्राप्तांक है आपके, उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। सबसे पहले साइंस है, तो साइंस में आपने कितने नंबर लेके आए हैं आपको वो यहाँ पे नोट कर लेना है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के 75 लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई सा एक सब्जेक्ट चॉइस कर लेना है। साइंस के बाद इंग्लिश, तो इंग्लिश में आपका कितना नंबर आया था वो हम टाइप कर लेंगे। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में आपका कितना नंबर आया था उसे भी हम टाइप कर लेंगे। इसी प्रकार सोशल साइंस। फिर यहाँ पे दो आपको और दे दिया है, यहाँ पे हम इंग्लिश तो एक बार ले लिया, तो यहाँ पे हम हिंदी कर लेते हैं। हिंदी में हमारे जो प्राप्तांक थे हम उसको लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम संस्कृत ले लेंगे। उसके बाद ये देख सकते हैं आप CGPA स्कोर है। अगर ये स्कोर आपके मार्कशीट में है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। डायरेक्ट सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली आपने फिल कर लिया है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है सेलेक्ट डिवीजन अप्लाई, तो यहाँ पे आप फिर से एक बार अपना जो स्टेट है, स्टेट के अंतर्गत आप किस डिवीजन में सेलेक्ट करेंगे उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमने बस्तर डिवीज़न को सिलेक्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड जितने भी बस्तर डिवीज़न से रिलेटेड जितने भी गाँव आ रहे हैं, विलेजेस आ रहे हैं, उनका नाम आपको दे दिया है। यहाँ पे अब आपको अपने प्रेफरेंस को यहाँ पे लिखना होगा। प्रेफरेंस कहने का मतलब आपको जहाँ पे पोस्टिंग चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नंबर डालते जाएंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे जो आम गांव लिखा है यहाँ पे मुझे पोस्टिंग चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसे सबसे पहले एक नंबर दे दूँगा। आमागुड़ा है, इसे मुझे मैं दो नंबर दे देता हूँ। इसी प्रकार से आप जितने भी पोस्ट दिए गए हैं उन सभी में आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं।
या नंबर वाइज आप 1, 2, 3, 4, 5 जैसे भी देना चाहे आप दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितने पोस्ट है उतने ही आपके प्रेफरेंस होने चाहिए, कम या ज़्यादा प्रेफरेंस होने से यहाँ पे आपको सिलेक्ट नहीं करेगा, और कोई भी अंक डबल नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों, चाहे तो आप ये 1, 2, 3, 4 जाए तो पूरे के पूरे में भी आप 1 से लेकर 100 तक पूरा भर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि 10 या 20 बस प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप उतना ही प्रेफरेंस बस दे सकते हैं। आप जिसके लिए भी एलिजिबल है उसकी यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे डायरेक्ट आई हेयर वाई में क्लिक करेंगे और इसे सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैसेज आ गया है, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब जो आपका एप्लीकेशन वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, अब यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे SC सेलेक्ट किया था अपने कैटेगरी में, इसीलिए मुझे यहाँ पे फ़ी पे करना नहीं पड़ा। अगर आप OBC या जनरल सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपये का फी देना होगा। इसी प्रकार हम यहाँ से अपना जो एप्लीकेशन है उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। दोस्तों बता दूँ, इसका जो फॉर्म है 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है 8 अगस्त दिया गया है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि इसको एंडिंग डेट से पहले ही आप अपना एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।